वो यही कहेगी कि नेता बनते हैं का कुछ मत बोलिए, बाहर निकलिए कक्का चच्चा भैया बाबू गद्दा हुआ कहिए कि नेता बनत हुआ का जा चाय के दुकान पर छप्पर की एक बार उठावा और चाय वाले से पाव सुना का चाय वाले पर चाय दे अखबार उठा ले पढ़ले हुआ तो पढ़ा रहा पढ़ले हुआ तब पांच छह पन्ना होला अखबार में कोई के खाली वो तिरत फुटत रहा जे दूसर देखी ने कही अपना कोनो समाचार निकल वो खोज अब तक चाय वाला चाय दे दे अब चाय पिया चाय पी के चल जा सामान सब्जी जो खरीदे को मार्केट से खरीद के लेके आ जा कुर्ता निकाल के रख दा एक गांव में पांच कुर्ता पैजामा सिलाओ मैं दावे के साथ कहता हूँ साथी कोई भी घटना अगर गांव में होती है आपके झगड़े में भी अगर दरोगा जी सिपाही के गांव में एंट्री करेंगे प्रवेश करने के लिए पहले पूछते हैं कि गांव में नेता है कि नहीं लोग ये नहीं पांच को लेता है फिर दरोगा जी सम्मान के साथ जाएंगे नेताजी के पास और नेताजी से कहेंगे कि भाई नेताजी देखा दरखास्त कर बा झगड़ा भेल बा समझौता करा दा नहीं तो भाई फिर काम पकड़ के ले जाए आप बताइए कुर्ता पजामा में कितनी ताकत ताकत होगी ना ताकत अच्छा बताओ के कुर्ता पजामा सी आई देखा जब तक कुर्ता पजामा न सी हम देखा ऐसा बहया नेता है हम पढ़ाई तो बनी है देखा भजन तो बनती और सीएल सी और मिला लगा और तो हम प्रिंट कर उतरवा ले लो कुर्ता पजामा पहना के और ट्रेन पकड़ा दे की जा कर ताकि ये लड़ाई सारे काम में नेता की जरूरत खाने जाना है नेता चाहिए तहसील जाना है नेता चाहिए डीएम यहाँ जाना है नेता चाहिए तो हम नेता के भरोसे क्यों हम खुद नेता बन करके अपना अपनी लड़ाई हम खुद लड़ना चाहते हैं हम किसी के भरोसे नहीं जब आप कुर्ता पजामा सिलाओगे अगर तेरा नाम रामचंद्र है तो गांव भर लोग के आसपास के लोग कहते हैं काहू रामचंद्र लेकिन जब कुर्ता पजामा पहन लोगे तो फिर आपका नाम नहीं लेंगे यही कहेंगे काहू नेता जी आपको नेता जी के नाम से बुलाना